मेरा नाम है डिटेक्टिव जग्गा। हे भगवान, पिछले दो तीन दिन से कोई केस नहीं आया। अगर हालात इसी तरह से रहे तो बच्चों की स्कूल की फीस, मोबाइल का बिल, किचन का खर्चा, गाड़ी की ईएमआई, मेरे ऑफिस का रेंट और तो और बीवी के आलतू फालतू के खर्चे, ये सब कैसे पूरे होंगे। हे भगवान, किसी क्लाइंट को भेज दो। तेरी आँखें चाहियो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैडम, आप तो ऑलरेडी अंदर आ चुकी हैं। ओह, आई एम सॉरी। मेरा दिल धड़का है। हेलो मिस्टर डिटेक्टिव जग्गा। हेलो मिस, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सपना टोकरी। सपना टोकरी, ये कैसा नाम है? नाम को छोड़िए, नाम में क्या रखा है, आप तो मेरा केस सुनिए, केस। सपना टोकरी जी, शायद आपको मालूम नहीं है कि मुझसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। ओह, तो मैं कल आती हूँ अपॉइंटमेंट लेकर। सुनिए सुनिए जी, बिना अपॉइंटमेंट के मैं कुछ गिनी चुनी महिलाओं से मिल लेता हूँ और उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक आप हो। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका केस क्या है? आज मैं बाजार से एक दर्जन केले लेकर घर आई। केले मैंने ड्राइंग रूम में रखे और किचन में किसी काम से गई, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरे एक दर्जन केले सर गायब हो गए। आप अपना दिन बिल्कुल भी भारी मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपका केस सॉल्व कर दूंगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके ड्राइंग रूम से केले किसने चुराए? अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके पास क्यों आती? मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके केस की अच्छी तरह से छानबीन करूंगा और उसके लिए चोर को पकड़ लूंगा। आप मेरा केस सॉल्व कर तो दोगे ना? अरे कैसी बात कर दी, अरे मैं तो वो केस भी सॉल्व कर देता हूँ जो केस मेरे पास आते ही नहीं है। हैं? अब मेरा मतलब है कि अब मैं आपसे केले से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगा और आप मुझे उनके सही सही जवाब देना। सर, जवाब देने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। पैदा हुई तो नर्स को जवाब दिया, स्कूल गई तो टीचर को जवाब दिया, कॉलेज गई तो लेक्चरर को जवाब दिया। oh, no. और तो और सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी जवाब देती हूँ। और तो मैंने सोचा है सर, जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं अपनी सास को, ससुर को, देवर को, दुरानी को, सास को, पड़ोस को, सबको जवाब दूंगी सर, सबको जवाब दूंगी। बस करो, अरे मुझे सवाल तो पूछ रहे। तो पूछिए सर, पूछिए। क्या आपने केले आज भी उसी से खरीदे जिससे आप केले रोज खरीदती हो? जिसे मैं रोज केले खरीदती हूँ आज भी उसी से खरीदे। केले पीले थे? नीले थे। नीले, लेकिन केले तो पीले होते हैं। जब आपको मालूम है कि केले पीले होते हैं तो पूछ क्यों रहे हो? मजाक आप अच्छा कर लेती हैं। अगर आपको केले चाहिए तो आपको केले से जुड़े सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है सर। आप ये बताइए कि केले दागी थे? नहीं सर, केले दागी तो नहीं थे। ओ, इसका मतलब केले साफ थे। नहीं सर, उसके पास तो बहुत सारे केले थे। मतलब है कि, अरे मतलब कुछ छोड़ो, अब आप ये बताइए कि जब आप केले खरीद रही थी जी, तो आपको केले खरीदते हुए किसी ने देखा? हाँ सर। किसने? केले वाले ने। हे भगवान, जब आपने केले खरीदे तो आपके पास क्या था? पर्स, मेरा मोबाइल। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपने केले खरीदे तो आपका ध्यान करेले की तरफ था? करेले नहीं सर, केले, केले। हाँ, मेरा मतलब केले, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग लग गए। अच्छा, केले वाले का ध्यान, केले वाले का ध्यान तो आप ही की तरफ होगा है। यू आर जीनियस सर, आपको कैसे पता? वो क्या है ना कि मेरा ध्यान भी आप ही की तरफ है। क्या? मेरा मतलब है कि आपके केस की तरफ है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने उससे केले कितने रुपए दर्जन खरीदे? वो तो 60 रुपए दर्जन दे रहा था, मैंने उससे लड़ाई झगड़ाई करके 40 रुपए दर्जन में केले खरीदे।
60 रुपए का माल 40 रुपए में ले लिया, फिर तो उसका मुंह बन गया होगा। हाँ सर, मुंह तो बना था उसका बिल्कुल केले की तरह टेढ़ा। केले की तरह टेढ़ा। ये बताइए कि केले उसने मन से दिए थे? नहीं सर, हाथ से दिए थे। मेरा मतलब जब आप केले खरीद रही थी तो आपके आसपास कोई था? हाँ, मेरा पड़ोसी। आपका पड़ोसी? तो क्या उसने भी केले खरीदे थे? नहीं सर, उसे तो सेब खरीदने थे। जब केले वाला केले पैक कर रहा था तब आपका ध्यान कहाँ था, केले पर या मोबाइल पर? मोबाइल की तरफ। लेकिन जब आपने केले वाले से केले उठाए तब आपका ध्यान कहाँ था? मोबाइल की तरफ। फिर क्या हुआ? बस सर, मैं मोबाइल देख रही थी, फिर मैंने केले उठाए और अपने घर आ गई। जब आप केले लेकर अपने घर पहुंची, घर जाकर केले को ड्राइंग रूम में रखा, तब आपका ध्यान कहाँ था? तभी मैं फोन ही देख रही थी। केस सॉल्व हो गया। एक मिनट सर, मेरा फोन आ रहा है। अरे निकल जा। हेलो। भाभी जी, मैं आपकी घर की घंटी बजा बजा के थक गया, लेकिन आप गेट नहीं खोल रहे। अरे भाई साहब, क्यों मेरे घर की बेल बजा रहे हो और क्यों मुझे फोन कर रहे हो, बताओ काम क्या है? मैं वैसे बहुत परेशान हूँ। अरे भाभी जी, आप अपने फोन के चक्कर में मेरे सेब ले गई और अपने केले वहीं छोड़ दिए। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है भाभी जी, जल्दी आओ। ठीक सर, मिल गए। क्या? मेरे केले। यही तो मैं आपको बताने वाला था। मेरी फीस। किस बात की? केस सॉल्व करने की। अरे सर, केस तो अपने आप सॉल्व हो गया। मेरी तरफ से केले मिलने की खुशी में ये पकड़िए 10 रुपए और मैं चली। बाय। फीस की जगह 10 रुपए मिले।